ओके फ्रेंड्स, हम स्टोव वाच में सेटिंग कैसे करते हैं, इसमें और स्टोव वाच हम यूज़ कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मोड से मोड बटन प्रेस करके आप स्टोव वाच मोड में चले जाइए, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी स्टोव वाच स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट करना है तो इधर से भी आप जाके स्टोव वाच मोड में जा सकते हैं। तो आप यहाँ से जा तो चले जाओ, ये देखिए ये स्टोव वाच मोड आ गया। ओके फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इसको हम चाहते हैं कि इसमें यहाँ से चाहते हैं, ये टाइम मोड में आ गए हम और डायरेक्ट हम यहाँ से चाहते हैं, तो यहाँ से हम स्टॉप वॉच मोड में जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से प्रेस किया बटन को और ये स्टॉप वॉच मोड में हम चले आए। तो स्टॉप वॉच मोड में भी उसी तरह, स्टॉप वॉच मोड में भी टाइमर की तरह इससे पॉज हो गया, ऑन हो गया, पॉज हो गया, ऑन हो गया, और रिसेट करना है तो उसको पॉज करके हम यहाँ से रिसेट यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर से 0-0 हो गया, फिर से स्टार्ट करना है तो आप फिर से यहाँ से ये स्टार्ट मोड से आप स्टार्ट से आप शुरू कर सकते हो।